हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि इंडियन ऑयल CSIR फेलोशिप से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर मैं इस बारे में जो है डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि अपनी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और जॉब से रिलेटेड कंटेंट जो आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन आया इंडियन ऑयल CSIR रिसर्च फेलोशिप 2022-2021 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है CSIR एंड इंडियन ऑयल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर JRA पोजीशन द इंडियन ऑयल CSIR रिसर्च फेलोशिप। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हुए क्वालिफाइड द नेट एग्जाम ऑफ CSIR आफ्टर जुलाई 2019 एंड हु हैव नॉट येट ज्वाइंड एनी वेयर एज PhD फेलोज आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर रखा कि अगर आपने जो है CSIR जो है वो क्लियर किया है जुलाई 2019 के बाद, तो आप जो है यहाँ पे जो है एजेंट लाइक के JRA पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है JRA पोजिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपका PhD में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास नेट भी है तब भी आपको यहाँ पे फेलोशिप भी दी जाएगी और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट भी मिल जाएगा PhD में थ्रू CSIR, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सुपरविजन के लिए आपको गाइड और को गाइड दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे और आप जो CSIR लेबोरेटरी में आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंडियन ऑयल R&D सेंटर में भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। द सेलेक्टेड फेलो विल रजिस्टर फॉर PhD एट ACSIR, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर सिलेक्शन होता है तो आपको PhD में जो आप इनरोल होंगे वो एट ACSIR में होंगे। जैसे कि ACSIR के थ्रू बहुत से बहुत से जो है वो आपके जैसे CSIR इंस्टीट्यूट, जैसे आपका CDRI हो गया, CMAP हो गया, तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन जो होता है वो ACSIR के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन, आपको अपना PhD में इनरोलमेंट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका सेलेक्ट होते हैं तो, और आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो एट ACSIR के फॉर्म में आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पे बेसिक स्टाइपेंड और HRA भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास JRF नहीं है तब भी आपको जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट टू JRF जो है आपको पैसा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे जो है कंप्लीट CV अलॉन्ग विद योर कॉपी ऑफ नेट क्वालिफिकेशन और आपको सेंड करना है CSIR IOCLRF@IIP.res.in और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड मेंशन करना है और जो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021 है। इसके बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके स्क्रीनिंग के बाद, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है वो 3rd या 4th week of November 2021 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं तो आपको जनवरी 2022 से जो है आपको CSIR लेबोरेटरी में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और आप जो है अपना PhD भी वहाँ पे इनरोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यार मेंशन कर रखा प्रोजेक्ट, तो आप जिस भी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 इन्होंने मेंशन कर रखा है तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है MSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के है आपके पास, तो आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप प्रोजेक्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने देखिए प्रोजेक्ट कोड, फाइल नंबर, ब्रॉड टॉपिक सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आपको प्रोजेक्ट कोड जरूर मेंशन करना कि आप जो है किस प्रोजेक्ट कोड में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो जनवरी 2022 और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन 15 नवंबर 2021, तो ये सारा चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप जो है जिस भी फील्ड में या जिस भी प्रोजेक्ट में आप एलिजिबल हैं आप उसके में ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो PhD में इनरोल्ड होना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है वो फेलोशिप भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है बेसिकली आपका MSc प्लस नेट और आपका जो भी इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी बेस पे जो है आपको यहाँ पे PhD में इनरोलमेंट मिलेगा और जो इनरोलमेंट होगा वो ACSIR के थ्रू होगा और आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है CSIR लेबोरेटरी जो है वो दी जाएगी अपने वर्क को करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो PhD में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या जिनके पास JRF क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।